हाँ जी 11th क्लास, आजकल बेटा डिस्कस कर रहे हैं हम मिड टर्म एग्जाम का सॉल्यूशन। आज हम बात करने लगे हैं सेक्शन बी की बेटा, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप फेस करते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था इस कैटेगरी में, ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन था बेटा, मैक्सिमम को आता था, लेकिन जिनसे गलती हुई जरा इसको ध्यान कर लीजिए बेटा। एक शॉर्ट हिंट दिया था आपको, डी मॉर्गन्स लॉ याद रहे, आप अगर कंफ्यूज रहे हैं तो देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, ये सिंपली होता है ए इंटरसेक्शन। आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, ये बी सेट, इसको जो ड्रॉ करना था ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के पूरा पोर्शन था, ये खुद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किया है, तो आपने यूनिवर्सल को भी पूरा शेड करना था बेटे, ए को भी पूरा शेड करना था, बी को भी, सिर्फ छोड़ना था ए इंटरसेक्शन। वेन डायग्राम सिंपल आपसे बुक का क्वेश्चन ही पूछा था, फिर भी नहीं कर पाया, तो दैट मीन्स आपने रेगुलर पूछना है बेटा, फाइनल के लिए तैयारी करनी है ढंग से। ये ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन छोड़ के और बाकी सब। नेक्स्ट, सॉल्व 5 - x > x - 3 व्हेन एक्स इज ए होल नंबर एंड सेकंड व्हेन एक्स इज ए रियल नंबर। देखिए सिंपली आपको इसको सॉल्व करना था, -x को मैं राइट में ले जाऊं, -3 इधर ले आऊं, 5 + 3 > x + x, x + x मतलब 2x, मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, 2x मैंने लेफ्ट में लिया, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन थी, तो लेस देन लिखूंगी, तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ मेरी स्टेटमेंट का। ठीक है, 5 + 3 = 8, जब मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू y लिख रही हूँ तो उसे y लेस देन इक्वल टू x भी लिख सकती हूँ, ये चेंज किया मैंने सिर्फ। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करना है, 2 पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी अभी भी चेंज नहीं होगी बेटे, x लेस देन इक्वल टू 8/2, दैट मीन्स 4, दैट मीन्स x लेस देन इक्वल टू, अब आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंसीडर करने थे, ये बार बार नहीं करना था क्वेश्चन। x इज ए होल नंबर, x होल नंबर सेट में बिलोंग करता है, तब सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर बेटा, और 4 तक आपने जाना। ठीक है, 5 वाले। सेकेंड आपसे पूछा रियल नंबर में, जब एक्स रियल नंबर में है तब आप इंटरवल में आंसर दे सकते थे 4 से less than equal, दैट मीन्स सॉल्यूशन सेट क्या होगा? -2 4 एंड 4 पर क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये जो इंटरवल्स हैं वो आप सिर्फ रियल नंबर्स में यूज कर सकते हैं बेटा, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है बेटा, इंटरवल सिर्फ रियल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इंटरवल्स आप रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स इंक्लूडेड है तब आप बात कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन में क्वेश्चन था बेटा, सॉल्व द इनइक्वालिटी x > x/2 + 1 एंड शो द ग्राफ ऑन। आपको ये इनइक्वालिटी किसी अपसेट में नहीं सॉल्व करने को, दैट मीन्स अब आप रियल नंबर की बात कर रहे हैं। देखिए सिंपली x > x/2 + 1 है, x/2 को मैं लेफ्ट में ले जाऊं, x - x/2 > 1, x - x/2 मीन्स x/2, 1 - ½ is ½, ये क्या आ गया हमारा, सिंपली x > 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और वो पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी चेंज। ये आपने सॉल्व करने के साथ साथ नंबर लाइन में ड्रॉ भी करना था, नंबर लाइन में जब ड्रॉ करना है x > 2, 2 को आप सिलेक्ट करेंगे लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है, उसको फिल नहीं करेंगे, और 2 से ग्रेटर मतलब राइट साइड में आप सिंपल स्केल रख के इसको डाल रहे हैं। कई बच्चे इस पे भी यूं 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 फेरते रहते हैं डिजाइनिंग, बेटा डार्क करिए, सिंपल स्केल रख के ही डार्क करेंगे, अच्छे से डार्क हो जाए।
यहाँ हमारा आंसर रिप्रेजेंट हो गया। आपका अल्जेब्रिकली सॉल्व करना 1 मार्क का था और ग्राफिकली करना 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व कॉस ऑफ 240 डिग्री माइनस साइन ऑफ 760 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 130। देखिए यहाँ पर हमने अलाइड एंगल्स यूज करने थे और अलाइड एंगल के साथ साथ पीरियड, साइन फंक्शन का पीरियड क्या है बेटा, पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम कंसीडर करें अपना कॉस ऑफ 40 डिग्री माइनस साइन ऑफ 750 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 135। देखिए कॉस ऑफ 240 को मैं लिख सकती थी कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस, ठीक है, साइन 750 डिग्री को मैं लिख सकती थी साइन 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 360 का मल्टीपल हो गया, और कॉट 135 को मैं लिख सकती हूँ कॉट ऑफ 90 डिग्री प्लस 45। ओके, नो डाउट इसे आप 270 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, आप इसे 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है आपने कैसे अडेप्ट किया हुआ है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है बेटा, आंसर सेम ही आना है। लेकिन कॉस ऑफ 180 प्लस 60 डिग्री पाई प्लस थीटा, आई नो रेडियन से याद रखा ज्यादातर ने, लेकिन डिग्रीज तो आपको उससे पहले से आता है बेटा, यहाँ मिस नहीं होना चाहिए था। पाई प्लस थीटा दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और 180 के पाई के मल्टीपल पे कॉस कॉस ही रहेगा, तो ये हो गया माइनस कॉस 60 माइनस, तो इम्पोर्टेंट था 720। अब ये पीरियड का मल्टीपल हो गया 360 टाइम 2, तब क्या होता है ये वैल्यू एस सच रहती है साइन 30 डिग्री, वही आ जाएगी घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस कॉट 90 प्लस 45, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है और कॉट क्या हो गया 10, 90 प्लस में टेंजेंट ऑफ 45। नो डाउट यहाँ बाई चांस कॉट 45 टेन 45 दोनों सेम है, बट आप जब वैल्यूज लिखेंगे तो यहाँ पे ये टेंजेंट कॉस 60 डिग्री हाफ, साइन 30 डिग्री हाफ, 10 45 डिग्री 1, हाफ हाफ 1, तीनों नेगेटिव साइन के हैं, ऐड होंगे नेगेटिव साइन आएगा 2, राइट, हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस 1 2। यहाँ थोड़ा जल्दबाजी में कोई कोई वैल्यू गलत कर गए बच्चे, बेटा मैक्सिमम बच्चे इसमें हाफ मार्क्स ही लिख गए, 1 मार्क पूरे नहीं ले पाए, देखिए कोशिश करिए बेटा सिंपल अलाइड एंगल यूज और कुछ अलाइड एंगल्स को अच्छे से डन कर। चलिए फाइंड द कंजुगेट ऑफ 3 + 5 आयोटा स्क्वायर। अब आपको जो नंबर दिया है आपने उसको चलिए जेड रिप्रेजेंट कर दिया मोस्टली, क्या मैं वो कर रही हूँ, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ओके कर सकते हैं, 3² 9, मैं बी स्क्वायर ही साथ में लिखती हूँ यहाँ क्योंकि वही रियल बनता है, बी स्क्वायर 5² 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जल्दी जल्दी में बहुत से स्किप हुआ, स्किप हुआ तो यहाँ पर आगे इसको पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज हुए, चलिए मैं इसको पहले पूरा लिखूं, 2ab 2 3 6 6 5 30 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है बेटा, तो ये 9 - 25 है, 9 - 25 मीन्स यहीं पर गलती शुरू हो गई, और जब हमने जेड ले लिया कंजुगेट मतलब जेड बार, ठीक है, और उसमें सिंपली हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं बेटे, दूसरे का नहीं इमेजिनरी पार्ट का। यस डेफिनेटली कुछ ने ये भी किया स्टार्टिंग में ही प्रॉपर्टीज यूज करके ही कंजुगेट की और कर सकते थे, कंजुगेट आपने सीधा 3 - 5 आयोटा स्क्वायर लिखा, बिल्कुल लिख सकते थे बेटा, प्रॉपर्टीज यूज हुई जेड इंटू जेड, जेड वन इंटू जेड टू क्योंकि यहाँ सेम है उस पर कंजुगेट ले रहे हैं, तो जेड का कंजुगेट जेड वन का कंजुगेट इंटू जेड टू का, ठीक है, लेकिन इसको भी सॉल्व करके देना था, 3² 9 प्लस b² 5 आयोटा, यहाँ a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो नेक्स्ट है वो आपका आना है माइनस 2 3 6 6 5 3।
ये आपका वैसे ही जैसे अभी हम बात की 25 आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, ये माइनस सिक्स माइनस। अब अल्टरनेटिव यूज करते हैं तो आंसर चेंज नहीं होते इन सब, माइनस सिक्सटी माइनस थर्टी यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 2, 3, 5, 7, 9 इफ नो डिजिट इज रिपीट। देखिए इसको बिल्कुल आप परम्यूटेशन का फॉर्मूला वगैरह यूज करके करते तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आपका होता, देखिए 6 डिजिट यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 6p4 अरेंजमेंट होगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में 0 फिक्स कर दें वो वाले सारे नंबर हटेंगे। स्टार्टिंग में 0 फिक्स कर दिए तो दैट मीन्स रिमेनिंग 5 में से आपने 3 का अरेंजमेंट कर, ठीक है। सिंबल से फॉर्मूले से आपका ये था और नो डाउट 6p4 5p3 आपको फॉर्मूले से निकालना आता है और इसका हमने बिल्कुल शॉर्टकट भी किया हुआ। 6p4 मतलब 6 से स्टार्ट करके 4 फैक्टर, ठीक है। 5p3 मतलब 5 से स्टार्ट करके 3 फैक्टर। अब यहाँ पर आपका 5 × 4 × कॉमन आ जाता है, दिस इज नथिंग बट 60। यहाँ से रह जाता 6, यहाँ से रह जाता 1, 5, 5 × ये आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी आप करना चाहते जो मैक्सिमम ट्राई भी बेटा, लेकिन एक गलती कर दी। फंडामेंटल प्रिंसिपल से जब आप स्टार्ट करोगे तो आप ध्यान रखोगे बेटा, सबसे पहली डिजिट के पास 5 ऑप्शन है, नहीं है 0 नहीं आना होगा क्योंकि आपको 4 डिजिट नंबर पे है, 0 नहीं आना। तो पहली जो डिजिट है वो 5 ऑप्शन कर सकते हैं और वो जो सिलेक्ट हो गई डिजिट रिपीट नहीं होनी थी, वो जब सिलेक्ट हो गई तो दूसरी डिजिट के लिए भी 5 ही ऑप्शन है क्योंकि वो एक डिजिट हट गई लेकिन 0 नहीं, फिर एक कम रह गई 4, फिर एक कम रह गई, ये आ गया बेटा जो हमने निकाला। से भी करो दोनों वे से हो सकता था लेकिन आप केयरफुली करो, ओके। इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन था बेटा, इफ 1/8 factorial + 1/9 factorial इज इक्वल टू x/10 factorial फाइंड x। बहुत बार हो चुका है क्लास में, बुक का क्वेश्चन है इनफैक्ट, ये मैक्सिमम ने यही अटेम्प्ट किया, कुछ ने वो भी ट्राई किया। चलिए यहाँ सिंपली क्या होना था बेटे, एक्स हम राइट साइड में ही रखें, 10 फैक्टोरियल लेफ्ट साइड में लाएं तो 10 फैक्टोरियल इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है। एक बार लिख देती हूँ ये स्टेप भी आप स्किप कर सकते थे। इसमें एक्स क्या हो गया बेटे, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा 1/8 factorial से भी और 10 factorial मल्टीप्लाई होगा 1/9। अब आपको फैक्टोरियल्स बार बार सिखाए हुए बेटा, जो बड़ा नंबर है उसके फैक्टोरियल्स को चेंज कर दीजिए छोटे फैक्टोरियल। 10 factorial को मिलने 10 × 9 × 8 factorial यहाँ के, क्योंकि मुझे 8 factorial काटना है और यहाँ के लिए मैं लिख सकती हूँ 10 × 9 factorial क्योंकि 9, ठीक है। क्या क्या 90 + 10, ओके। यहाँ सेक्शन बी डिस्कस हो जाता है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही।